दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो फिर से होने जा रही है शिप कॉइन के बारे में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और ट्रेंडिंग कॉइन चल रहा है आजकल मार्केट में, क्योंकि हर कोई शिप के बारे में इंटरेस्टेड है, हर कोई ये जानना चाहता है कि शिप कहाँ पहुँचेगा, शिप का फ्यूचर क्या है। तो ये सारी बातें हम भी यही करेंगे शिप के हवाले से। इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि हेल्प करें मेरी शिप की कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। जल्दी जल्दी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो क्रिप्टो के रिलेटेड हो, स्पेशली शिबा इनू के रिलेटेड हो, तो आप मिस ना कर सकें। तो आज कुछ खास न्यूज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक कोई न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये याहू फाइनेंस की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आती है, डोज कॉइन का कंपेरिजन किया जा रहा है बेबी डोज और शिबा के साथ। ओके, और दूसरी न्यूज़ यहाँ पर हमारी ये निकल के आती है कि शिबा इनू इन बुल्स रेड टेक ऑफ द शिप इज इट प्राइस स्टेबलाइज। ओके, और तीसरी हमारे यहाँ थाईलैंड के हवाले से भी क्रिप्टो की नज़र से न्यूज़ निकल के आती है। तो हम चलते हैं पहले थाईलैंड की न्यूज़ से की तरफ। तो ओके, इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी क्रिप्टो के रिलेटेड वीडियो हो तो आप मिस ना कर सकें। ओके, तो हम चलते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। ओके, तो थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी इज़ कंसिडरिंग क्रिएटिंग इट्स ऑन यूटिलिटी टोकन। ओके, थाईलैंड की जो टूरिज्म अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, अपना और एक यूटिलिटी टोकन क्रिएट करने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि सारी दुनिया आप क्रिप्टो को बिलीव करने लग गई है, क्योंकि आप जब एल्सल्वाडोर ने इसे एक्सेप्ट किया, अपनी करेंसी को बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया, तो अब सारी दुनिया वहाँ पे मूव ऑन करना चाहती है। तो इस हवाले से हमें यही देखने को मिल रहा है कि हर कोई कंट्री चाहता है कि उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी हो। और वैसे अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड टूरिज्म के हिसाब से वन ऑफ द फेमस कंट्री है। तो इस हवाले से वो क्या कर रहे हैं कि अपनी खुद की एक करेंसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड TAT कंसीडरिंग क्रिएटिंग ऑन यूटिलिटी टोकन टू कैपिटलाइज द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि वो अगर पॉपुलरिटी जो ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं ये, इस वजह से ये भी उस फेम में आना चाहते हैं। इनको पता है कि भाई क्रिप्टो का फ्यूचर चल रहा है, तो ये भी अपनी क्वाइन को लॉन्च करने वाले हैं सून। अब देखते हैं कि कब क्या होता है इसके हवाले से। खैर, आज हमारा टॉपिक ये तो नहीं है, हमारा टॉपिक निकल गया था शिबा इनू के हवाले से। ओके, शिबा इनू के हवाले से ये एक न्यूज़ निकल के आती है, शिबा इनू बुल्स रेडी टू टेक अप शिप एज ए प्राइस स्टेबलाइज। क्योंकि उनके जो बुल्स हैं वो रेडी हैं शिप को ऐसे लेके जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, अल्ट कॉइन्स लाइक डोज एंड शिबा हैव गेन्ड इन इमेंस पॉपुलरिटी फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2021। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर जो 2021 का चल रहा था, शुरुआत में इसने बहुत सारा गेन हासिल किया है। सिर्फ शिप ने नहीं किया, डोज ने भी किया, विंड ने भी किया, सेवमून ने भी किया, बहुत सारे कॉइन ने बहुत सारा गेन हासिल किया। ओके, दिस कॉइन्स हैव अचीव द टेक ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेंडेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनल। लेकिन इनको एक और कॉइन की एक और हैसियत मिलती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ट्रेंडेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस के हिसाब से जो ट्रेंडिंग में जो कॉइन चल रहे थे उनमें ही इन्होंने शामिलियत की। और अर्लियर दिस ईयर शिबा कम्युनिटी लॉन्च द पिटिशन टू द लिस्ट द कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड। क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी रॉबिनहुड के हवाले से लिस्टिंग के हवाले से कुछ चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, पिटिशन साइन करवाया था, जिसमें समाउ द पिटिशन इज मैनेज टू गेन, जिसमें तकरीबन 130,000 के करीब तकरीबन जो सिग्नेचर हुए वो टिल द ज्वाइन जून, उसमें क्या हुआ था, ज्वाइन करने के लिए भाई पिटिशन साइन किया था। द मीम्स बेस्ड कॉइन सा स्पाइक ऑन September 16, बट सून इट्स शेयर्ड इट्स ऑल गेन। आप जानते हैं कि सेप्टेम्बर की 16 में इन्होंने बहुत सारा गेन थोड़ा बहुत हासिल किया था, तकरीबन 30-40% गेन किया था, क्योंकि इनकी कॉइन बेस पे लिस्टिंग वगैरह होने वाली थी। अ ब्रेकआउट फ्रॉम हेयर वाज नीडेड टू बट इंडीड बट शिप कंटिन्यूज टू कट काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर बुल्स एंड बियर्स। ओके, शिप का वो चल रहे हैं, वो काज चल रहा है फ्रस्ट्रेशन का, फॉर बुल्स के लिए भी चल रहा है, बियर्स के लिए भी चल रहा है। क्योंकि जो बियर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट को हमें डाउन लेके आना चाहिए, लेकिन जो बुल होते हैं वो चाहते हैं कि हमें मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो ये तो एक आप देख सकते हैं, शिप रोज ऑलमोस्ट 55% फ्रॉम सेप्टेम्बर 13 से 70% हमें तकरीबन कितना देखने को बोला 55%, बट ये फेल टू मेंटेन द अप ट्रेंड, पर ये फेल हो गया उसका ट्रेंड को बिलो करने के लिए, क्योंकि उसने उस प्राइस को अपनी एक स्टेट पे एक लेवल पे नहीं रख सका। तो ये कुछ निकल के आया था शिप के हवाले से एक आर्टिकल। ओके, और अगर हम दूसरे आर्टिकल की तरफ भी हम चलते हैं जो शिप डॉज का कंपेरिजन किया जा रहा है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसकी मार्केट के हवाले से थोड़ा अपडेट देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि अभी 0.6 थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है, करंट प्राइस चल रही है 0.000071 से देखिए। BTC के पेयर के हिसाब से हमें माइनस को देखने मिल रहा है 2.16%, और Ethereum के पेयर के हिसाब से हमें 3.3% माइनस को देखने को मिल रहा है। ओके, आप जानते हैं कि सारी मार्केट अभी एक पोजिशन पर स्टेबल नहीं कर रही, तो वैसे भी ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप देख सकते हैं कि कल
दो दिन पहले ये 48 पे था, फिर 47 पे आया, लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं इसकी रैंकिंग 46 पे पहुंच गई है, क्योंकि अब ये फिर वापस अपने अप ट्रेंड पे जा रहा है। ये एक गुड न्यूज़ निकल के आती है हमारे होल्डर्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शिबा इनू इज़ द फ्यूचर। आप देख सकते हैं अभी एक घंटे में 0.2 आशर है, ये 24 घंटों में 0.6 आशर है, और 7 डे में 1.5% हुआ है, और 14 डे में 5.3% गेन हुआ है। क्योंकि अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट भी अभी जाकर रिसेंटली एक घंटे की बात करें तो कुछ ग्रीन रन में देखने को मिली है। वैसे ये मंथ क्रिप्टो मार्केट के हवाले से इतना खासा अच्छा नहीं गुजरा। जानते हैं कि आपको जानते हैं कि चाइना के हवाले से जो उनका फंड निकल के आ रहा है, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउन निकल के आ रहा है, तो उस वजह से मार्केट में हमें बहुत अप एंड डाउन ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि यही वजह होती है, क्योंकि जो कोई बड़ा मुल्क उसकी बैनिंग को अनाउंस करते हैं तो वो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती है क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन डाउन जाने जाते हैं तो मार्केट से सारा पैसा फटक से बाहर चला जाता है, तो मार्केट से जब पैसा निकल जाता है तो किसी भी कॉइन में पैसे आने की उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे इन्होंने याहू फाइनेंस की तरफ से आर्टिकल निकल के थे, जॉन सीजर, जिसने आर्टिकल आज ही के दिन पब्लिश किया था कि कंपेयरिंग डोज कॉइन बेबी डोज एंड शिबा इज देयर वन टू वॉच। ओके, यहाँ पे इन तीनों का कंपेरिजन किया जा रहा है। मैं इसके कंपेरिजन में इनके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, कुछ जो मेजर एस्पेक्ट्स वगैरह निकल के आते वो देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने डोज कॉइन का मेंशन किया हुआ है। डोज कॉइन हैज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट कैप ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी एट द 31 बिलियन डॉलर का इसके पास मार्केट कैप है। वो मार्केट कैप के हिसाब से अगर इसकी हम रैंकिंग देखें तो हमें टॉप 5 में देखने को मिलता है, यानी 5वें नंबर पे इसकी रैंकिंग देखने को मिलती है। उसका आप समझ सकते हैं कि इनके जो बहुत जो चल रहा है एलन मस्क का जो सपोर्टिंग है। और अगर बेबी डॉज, आप जानते हैं, अगर नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोड्यूस। बेबी डॉज इन अदर क्रिप्टो विद अ फैंसीफुल साइड, इट वॉज डिजाइन बाय द डोज कॉइन कमिटी एज द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स फादर डोज। ओके, ऑफस्प्रिंग के तहत इसको जनरेट किया गया था, इनकी डोज कॉइन की कम्युनिटी ने इसे जनरेट किया था। द क्रिप्टो ऑन्स वेबसाइट एम्फेसाइज़ेस द प्लेफुलनेस एंड द स्टेट बेबी कॉइन डोज 6 द फादर। ओके, ये मना, यानी अब डोज इसका फादर है, ये उसका बेबी है, इनके चक्कर में इन्होंने कुछ इसको डिज़ाइन किया। अभी देखते हैं कि फिलहाल के इसके हवाले से कोई खास अपडेट नहीं निकल के, अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। अगर हम शिबा के बारे में बात करें तो शिबा के बारे में, आप शिबा के होल्डर हैं और शिबा के बारे में नहीं जानते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ इसके मेंशन की है, डोज कॉइन बाय सपोर्टिंग इन NFT आर्ट एंड इन अदर प्रोजेक्ट आर इज डिसेंट्रल एक्सचेंज नोन एज शिबा स्वैप। यानी जो इसको अभी शिबा को जो ट्रेंडिंग लिस्ट में देखे जा रहा है वो कौन है, इसका शिबा स्वैप है। लेकिन जैसे इनका NFT आएगा तो हमें इसमें बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलन मस्क का जिक्र फिर से किया जा रहा है। नाउ सरप्राइजिंगली एलन मस्क इज वन ऑफ द मोस्ट मेंट कल्प्रिट्स विद शिबा इनू एज वेल एज अ सिंगल ट्वीट फ्रॉम मस्क स्टडी माय शिबा इनू विल बी नेम्ड फ्लॉकी वाज इनफ टू पुश द शिबा इन टू प्राइस अप टू 24। सिर्फ एलन मस्क ने, आप जानते हैं कि रिसेंटली एक ट्वीट की थी जिसमें उसने क्या कहा था कि मेरा जो शिबा इनू कॉइन है उसका नाम क्या है, फ्लॉकी है। तो उस वजह से उसे तकरीबन शिबा इनको हमें देखने को 25% गेन मिला था। इन्वेस्टर वुड बी वाइज टू ट्रेड विद द कॉशन ऑन दिस वन। ओके, तो इस वजह से मार्केट तो वॉलेटाइल चल रही है, तो इस वजह से हमें कभी पता नहीं चल सकता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, बुल ट्रेंड चलेगा, बियर ट्रेंड चलेगा, ये तो सारा मार्केट का चक्कर है, चलता रहेगा। तो यही था आज के हवाले से शिबा इनके बारे में। आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आगे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो तो आप मिस ना कर सके। मैं फिर से मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। पीस।